हिमाचल में एम्स का बनना ये सिर्फ हिमाचल के लाभ में है ऐसा नहीं है। हिमाचल का तो लाभ है ही है, लेकिन हिमाचल ये बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है। देश के कोने कोने से यात्री यहां आते हैं और अक्सर यहां की पहाड़ियों में किसी न किसी अकस्मात के कारण बस की बस नीचे खाई में चले जाना, दूर दूर से लोग आते हैं। अगर उनको ट्रॉमा सेंटर की सुविधा मिल जाए, एम्स जैसी व्यवस्था मिल जाए, तो हिंदुस्तान के किसी भी कोने से आए हुए यात्री को भी ये हिमाचल की धरती उसको ठीक ठाक करके, उसका स्वास्थ्य अच्छा बना करके अब एम्स आने के बाद उसके घर लौटाएगी। और जब हिंदुस्तान से आने वाले को पता चलेगा कि हिमाचल में मेरी इतनी देखभाल होती है, तो यहां टूरिस्ट का भी आना मन करेगा। बहुत साल पहले मुझे पता है, मैं गुजरात में था, हमारी पार्टी के एक ट्रेजरर हुआ करते थे, वे परिवार के साथ हिमाचल आए थे और शिमला के पास अकस्मात हो गया, हर किसी को गंभीर चोट आई, कुछ सीरियस चोट आई, लेकिन चंडीगढ़ अस्पताल तक उनको ले जाना पड़ा और जाते जाते रास्ते में दो लोगों की मृत्यु हो गई। उनका मुझे फोन आया, मैंने यहां हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं को फोन किया, मैंने कहा देखिए भाई ये हमारे पार्टी के परिचित लोग हैं, सारे लोग मदद में लग गए, कोई खून देने के लिए, कोई उनकी चिंता करने के लिए। और इसलिए मुझे भली भांति पता है कि हिमाचल में जो यात्री आता है देश के कोने कोने से, उसे जब इस व्यवस्था का पता चलता है तो आने के लिए उसका विश्वास बढ़ जाता है। और इसलिए ये एम्स हिमाचल वासियों के लिए तो एक जीवन संजीवनी लेकर के आया है, लेकिन हिमाचल की आर्थिक व्यवस्था के लिए, टूरिज्म को बढ़ाने के लिए ये अस्पताल एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण बन सकता है। और इसलिए हिमाचल में अस्पताल बनना मतलब देश के टूरिज्म को भी बढ़ावा देने का काम है जो आज बिलासपुर की धरती पे हो रहा है।